हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही अमेजिंग ड्राई फ्रूट की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी भी फेस्टिवल पे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप देसी घी लिया है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई डेजर्ट बनाते हैं तो आप देसी घी का ही यूज़ करो, क्योंकि देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ में हेल्दी भी होता है। और घी का यूज़ हम इसमें मोइन के लिए कर रहे हैं। हमें इतना मोइन डालना है कि इससे मुट्ठी की तरह देखिए ऐसे तैयार होए। अब हम इसे गूंध लेंगे। गूंधने के लिए हम ठंडा फ्रिज का पानी यूज़ करेंगे। हमने एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमने इसका थोड़ा स्टिफ डो बनाकर तैयार करना है। देखिए, इसको मैंने अच्छे से गूंध लिया है। अब हम इस आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। साथ ही हम एक बाउल में अपने ड्राई नट्स को सॉक करने के लिए पानी ले लेंगे। हम इसमें अखरोट, कुछ बादाम और थोड़े पिस्ता को 15 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें 1 कप से थोड़ा कम हमने पानी ऐड करना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1 तार की चाशनी बनानी है, तो आप ये मेजरमेंट याद रखना। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारी जो चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे बॉयल करने देंगे अच्छे से और बीच बीच में इसको हम ऐसे हिलाते जाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, हमारी चाशनी बनके तैयार है। इधर मैंने कुछ रेजिन्स लिए हैं, इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। लीजिए, हो गया हमारे रेजिन्स कट। और यहाँ मैंने 1 कप नारियल को ऐसे घिस के ले लिया है। और फ्रेंड्स, जो हमने ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखे थे उसे भी हम पानी में से निकाल लेंगे और इसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसे मिक्सी में ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप बारीक बारीक ऐसे ही चॉप कर ले। देखिए, मेरे ड्राई नट्स भी चॉप हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। साथ ही हम इसमें अपना कद्दूकस के बाद नारियल ले लेंगे और इसमें रेजन्स भी मिला देंगे। अब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें 4 से 5 चम्मच चाशनी ऐसे भरकर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, चाशनी जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए, गर्म चाशनी हमने इसमें नहीं डालनी है। और बस, अब हम इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। इतने हमारे आटे को भी रेस्ट किए 15 मिनट्स हो गए हैं। हम इसके पेड़े काट लेंगे। अब एक पेड़ा लेके हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे और इसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें से एक पेड़ा लेके हम इसको तो बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हमें बहुत पतला बेलना है, मतलब जितना पतला बेल सकते हैं आप उतना पतला बेल ले शीट को। और आप किसी भी ऐसे ढक्कन से या कटर से इसको कट कर लें। जो इसके साइड में एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे।
वन साइड हमारा तैयार है। अब हम ऐसे ही एक और पेड़े को बेलकर उसे भी ऐसे ही कट कर लेंगे। अब हम इस पर अपने ड्राई फ्रूट की स्टफिंग जो हमने तैयार करी थी उसे रखेंगे। और इसके एजेस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। अब हमने जो दूसरी पौड़ी बनाकर रखी है अपनी उसे हम इस पर प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको दबाकर ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है बाहर ना निकले। अब हम फोर्क की हेल्प से एजेस को अच्छे से दबा लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के पॉकेट्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको बनाने का और खाने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे और एक एक करके हम अपने ड्राई फ्रूट पॉकेट्स को इसमें डाल देंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और बस अब इसको हम पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसको निकालने के बाद हमने इसको चाशनी में डिप करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी चाशनी और जो हमारे हैंड पाइज हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चाशनी में डाल के एकदम से सोगी हो जाएंगे। बस हम इसे अच्छे से चाशनी से कोट कर लेंगे और निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी होममेड हैंड पाई बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। देखिए, मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। आप सब इसे किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।